हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पेड़ा। बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे दो पका हुआ आम ले लिया है, आम को वॉश कर लिया है, कट कर लेंगे। एक कप मैंगो पल्प ले लिया है, मिक्सी जार में डाल के प्यूरी तैयार कर लेंगे। मैंगो प्यूरी को छान लेंगे। गैस ऑन करेंगे। दो बड़े चम्मच बटर, 1/4 कप दूध, मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी को 6 से 7 मिनट पका लेंगे। वन पिंच केसर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। गैस को मीडियम पे रखेंगे। 1/4 कप चीनी मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप काजू पाउडर, 1 कप मिल्क पाउडर, मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। कुछ बूंदे ऑरेंज फूड कलर की, ये ऑप्शनल है, मिक्स कर लेंगे। पेड़े के मिश्रण को लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। पेड़ा का मिश्रण गाढ़ा होने लग गया है, अभी हमें मिश्रण को लगातार चलाते हुए और गाढ़ा करना है कढ़ाही छोड़ने तक। पेड़ा का मिश्रण बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, कढ़ाही भी छोड़ने लग गया है और शेप भी होल्ड कर रहा है। गैस को ऑफ कर लेंगे। एक प्लेट में थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। पेड़े के मिश्रण को ट्रांसफ़र कर लेंगे। 8 से 10 मिनट ठंडा होने देंगे। पेड़ा का मिश्रण ठंडा हो चुका है। पेड़ा अगर एक साइज का बनाना है तो एक चम्मच ले लेंगे, जितना बड़ा आपको पेड़ा बनाना हो। एक चम्मच भर के पेड़ा का मिश्रण लेंगे। तलहटी पे ऐसे रख के गोल गोल करते हुए चिकना करेंगे। एक गोल शेप का चम्मच ले लेंगे, प्रेस करेंगे, ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। एक बर्तन में रखते जाएंगे। फिर से चम्मच भर के पेड़ा का मिश्रण लेंगे, तलहटी पे ऐसे रखेंगे, गोल गोल करते हुए चिकना करेंगे। हल्का सा प्रेस करके फ्लैट कर देंगे। गोल चम्मच से बीच में डिज़ाइन बना लेंगे। बस ऐसे ही सारे पेड़ा तैयार कर लेंगे। सारे पेड़ा बना के मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता का चूरा ले लिया है, पेड़ा के बीच में रखेंगे ऐसे। सारे मैंगो पेड़ा को सजा लिया है पिस्ता के चूड़ा से, बहुत ही डिलीशियस बना है। आप भी इस तरीके से मैंगो पेड़ा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।